हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू चैनल वी आर बहल ब्रदर्स। तो गाइस आज काफी दिनों के बाद इकट्ठे व्लॉगिंग फाइनली दिख रही है आपको। वी आर नाउ लिटिल बिट फाइन। तो बहुत टाइम बाद एक बार दोबारा बारे आ चुके हमारे मजेदार मंडे। तो मजेदार मंडे में ये होता है कि आपके मन चाहे क्वेश्चन जो होते हैं हम उनके आंसर देते हैं आपको, जो भी आपके सवाल होते हैं पूरे हफ्ते में। इस बार हफ्ते का नहीं, हमने दो तीन हफ्ते का मिला के करा है। कॉमन नहीं होते, कुछ अलग डिफरेंट होते हैं, उसके जवाब देते हैं। दो तीन हफ्ते का इस बार मिला के हमने एक बार मजेदार मंडे करा है। जो भी सवाल थे आपके हमने लिस्ट में लिख लिए है, जो इस फोन में कैद है वो अभी आपसे मतलब आपके पूछे गए सवालों के हम जवाब देने वाले। तो फटाफट चलते हैं वीडियो में। तो पहला सवाल पूछा गया जी इट्स अनमोल खैरा से। वो पूछ रहे हैं, पूछ रही है यार रील्स पे व्यू नहीं आते, सिर्फ 150-200, कभी 2000-3000 हो जाते हैं, व्हाट टू डू, प्लीज टेल हाउ। पहली बात तो आप दिन में कितनी वीडियोस बनाते हो उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बाद वीडियो डालते हो। अगर आप एक्टिव हो प्रॉपरली तो आपको लाइक व्यू हमेशा बेसिक आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप डेली वीडियोस डालोगे, ये भी नहीं कि आपको डेली की 10 डालनी है, डेली की 50 डालनी है, दो डालो पर डेली डालो। हाँ, मगर ये है कि जैसे ट्रेंडिंग साउंड चल रहे, जो साउंड ट्रेंडिंग में चल रहा है उस पे बनाओ। तो जो भी ट्रेंड में जा रहा है, जो भी चल रहा है, लोग पूछते हैं ट्रेंडिंग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, स्क्रॉल कर रहे हो, आपको अगर स्क्रॉल करते करते एक ही गाना 3-4 बार डाल दिया शो हो तो वो ट्रेंडिंग में सॉन्ग होगा। ठीक है, और अपने मन से बनाओ, ये नहीं कि अगर उसने बनाया तो यार मैं भी ये बनाऊंगा। इसका वायरल होगा, मेरे वायरल होगा, ऐसा नहीं है। वो बनाओ जिसमें आप अलग से वाइब छोड़ सकते हैं, कुछ अलग से क्रिएट, आप कुछ अलग अपना ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। वो चीज बनाओ, वाइब से वाला कुछ अलग सा बनाना है। ठीक है बिडू, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है जी गुरनीत 1900 से, प्रिंस थोड़ी वीडियो देख के लगता है थोड़ा दिल टूटा है, थोड़ा सच्ची दिल टूटा है। नहीं नहीं एक्चुअली यार दिल नहीं टूटा, मैनू ना सैड सॉन्ग वधिया लगदी है, ते ओने कोई फील पूरा होंदा ना, फील ना बंदा बनावे तो वधिया लगदा। मैं तार के सैड वीडियो बनाना, फिर उत्ते कोई कैप्शन लिखण नूं नहीं होंदा, फिर मैं ब्रोकन हार्ट या कुछ ही लिख देना तो लोकां लगदा कि मेरा दिल टूटा, मगर इदां दा कुछ नहीं है। दिल नहीं टूटा, टूटा टूटा। अगला क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जी सुख 8684 से, दोनों चो असली कौन है, दोनों चो आलसी कौन है, दोनों चो आलसी कौन है, दोनों चो इंटेलिजेंट कौन है। मैं आंसर भी देने लाला, तू आंसर ले। हां हां मैं सुन रहा हूं। दोनों चो बेकार ड्राइवर कौन है, दोनों चो फूडी कौन है। द गाइस द लास्ट ले दो मेरे, नहीं लास्ट ले तीन मेरे, पहला है आलसी आवा, इंटेलिजेंट थोड़े ही थोड़े थोड़े, बेकार ड्राइवर मैं आ, ते फूडी भी दोनों ही है। फूडी भी पता नहीं की है, राती जब भूख लग जाए तो गंदे वाले फूडी का हो जाता है। दो दिन पहले ये बहुत बीमार था, इसका गला खराब था, तो इसने कहा कि मैंने मोमोज खाने हैं, तो मैंने कहा कि रहने दे अभी तबीयत ठीक नहीं है, रुक के खा लेंगे। नहीं चल, तो मैं पहले रुक गया, कहता ठीक है, फिर कहता नहीं यार पापा एक्टिवा की चाबी दो, फिर एक्टिवा भी नहीं निकाली, पहले चला गया। गाइस अंदर से क्रेविंग हो रही थी बहुत गंदी वाली, खाने खाने खाने, तो मैंने खा लिए और उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा वैसे मेरे को बॉडी पे। नहीं चटनी खानी थी, मैंने इसको मना किया चटनी मत खा, बट जो भी था गाइस मैंने खा लिया और बहुत अच्छा रहा मेरा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया जी जस सिंह 23 से, प्रिंस गुरु नानक कॉलेज दे कोल की करण होंदे ने ते असी उत्थे ही ईश्वर नगर रहने आ, आई एम सो सरप्राइज्ड। गुरु नानक कॉलेज मेरा घर ही गुरु नानक देव कॉलेज दे कोल ही है, जीएनई कॉलेज। अच्छा जीएनई कॉलेज, ये जीएनई कॉलेज, जीएनई कॉलेज। गाइस देख किस लिए जाते हो आप, भंगड़े के लिए, भंगड़े के लिए जाते थे, अभी अभी भी जाते हैं, आज शाम को भी वहीं पे जाना है, वहां पे प्रैक्टिस होती है हमारी। आप लेते ही नहीं क्वेश्चन। तो डीएम फॉर पेड कोलैब का मतलब होता है डियर कि कोई भी जैसे ब्रांड या फिर कोई नॉर्मल पर्सन आपको बोलता है स्टोरी डाल दो मेरी, कुछ भी डाल दो प्रमोशन के लिए, तो उसके स्टफ के लिए वो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उसके बदले हमें कुछ मनी या फिर कुछ बार्टर में प्रोवाइड करते हो, तो उसको पेड कोलैब बोलते हैं। एक कोलैब वो भी होता है कि दोनों वीडियो इकट्ठे करके, वो भी कोलैब होता है, एक वो कोलैब होता है, ये पेड कोलैब होते हैं। उसमें क्या रहता है, जैसे मान लो इन्होंने मेरे को बोला कि मेरा एक्स वाई जेड ये चीज का काम है, आप ये लेके मेरी स्टोरी डाल दो, उनकी ब्रांडिंग होगी और हमें पैसे मिल गए या फिर उस चीज का प्रोडक्ट मिल गया। और जो दूसरा पेड कोलैब आजकल चल रहा है वीडियोस वाला, उसमें भी रहता है कि दोनों ने जो दोनों को प्रॉफिट हो जाता है, दोनों को लाइक भी अच्छे आ जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं। और नॉर्मल पर्सन के साथ भी कुछ लोग कोलैब करते हैं, वो पेड कर लेते हैं, वो उनके ऊपर रहता है, ऐसे रहता है पेड कोलैब। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया जी ऑफिशियल खुशी 7836 से, सेलिब्रिटी बनने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। या सेलिब्रिटी से पहले मतलब अभी भी सेलिब्रिटी नहीं है, नॉर्मल है, लाइफ अच्छी चल रही है। पहले ये होता था कि रूटीन होती थी, जैसे सुबह उठना है, फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद वहां से जॉब पे जाना है, जॉब से फिर आपको घर आना है, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है,
लेकिन अब जैसे अब देखो 2 बज गए हैं, अभी उठे हैं, अभी ब्रंच करना है, जस्ट उठे हैं, जस्ट वीडियोस बनानी है, व्लॉग शूट करना है, फोन चलाना है सबसे बड़ी बात और उसके बाद फिर शाम को फुटबॉल खेलनी है, फिर तो इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें चल रही है। अभी भंगड़ा हो गया, फुटबॉल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरी लाइफ में इतना सारा कुछ नहीं चल रहा है। सॉर्टेड सा नॉर्मल सा उठता हूं, वीडियोस बनाता हूं, फिर फोन पे लगा रहता है, फिर वीडियोस बनाता हूं, खाता है, फिर वीडियोस बनाता है, फिर शाम को फिर फास्ट फूड खाता है, फिर इधर-उधर गेड़िया मारता रहता है। कुछ मतलब खास वाला इतना सॉर्टेड नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पक्का नहीं है, जैसे मेरा पक्का कि मैंने भंगड़ा थोड़ा सा फिक्स एक चाहिए, कोई एक्स वाई जेड की 2 घंटे 3 घंटे एक चीज में चले जाए। तो अगर आपके पास कोई बढ़िया सजेशन है कि जिससे मेरे को मतलब टाइम वेस्ट वाला नहीं, जिसमें प्रोडक्टिव निकले, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी सब शॉर्ट चल रहा है, सब बस चल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछा गया है जी, अच्छा बताया गया एक्चुअल में, अनन द कुमार शर्मा, गलत नाम है तो सॉरी, गलत नाम है तो सॉरी, पर जो बात है उसके लिए भी सॉरी, ठीक है। रिचार्ज खत्म हो गया है, कर दो प्लीज, नंबर दे दिया उन्होंने साथ में, ये नंबर है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, सच्ची बताऊं हमने कर देना था, हमें पता नहीं है कि आपका कौन सा सिम है कितने वाला करना है, कौन सा पैकेट है, पक्का। और मेन बात मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप आपने आधी इन्फॉर्मेशन भेजी, आप ऐसा करो अपने घर का एड्रेस भेज दो, बिजली का बिल मैं भर दूंगा और वाईफाई लगा घर में वो भी मैं भर दूंगा, मतलब पानी वानी का जो भी खर्चा ना सब हमें बता दो, फैमिली आप हमारी चलता है, इतना टेंशन मत लो आप इस चीज की। और बाकी आप सच्ची मैंने कर देना, कर देना, पता होता ना कौन सा सिम है, कौन सा सिम, सिम लिखना भूल गया, अगली बार ना सिम लिख के भेजना, ठीक है। और अगली बार हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है जी, प्रियंका कश्यप 6666 हैशटैग मेजरमेंटे, क्या आपको अपनी ही बनाई हुई फनी रील्स को देखते हुए हंसी आती है? बहुत ज्यादा, मैं तो बार बार देखता रहता हूं, ज्यादा हंसी है, पूरा दिन वही देखते रहते हैं हमने। हाँ, कल पर से एक बनाई है, कितने लाइक आ गए, कितने व्यू आ गए, लोगों के कमेंट कैसे आ रहे हैं, कि अच्छी लगी उनको या नहीं लगी, क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है लोगों का, तो बहुत ज्यादा हम खुश होते रहते हैं और यही सोचते हैं कि अगली रील कोई ऐसी फिर से मिल जाए रिलेटेबल सी और अच्छी सी बना दे आप लोग के लिए, अपना बेस्ट दे। ये कॉमन सी बात है, हर कोई ऐसे करता है और मुझे भी लगता है आपको ज्यादा टाइम लोगों की रील देखने से जब आपकी मेहनत लगी होगी ना तो आप उसको देखोगे ना आपको और खुशी होगी। लोगों की रील देखने से ज्यादा अपनी रील देखा करो, आप में उसको अपनी खामियां वगैरह दिखेंगी और उसके ऊपर आप अच्छा वर्क करोगे। तो अगला सवाल पूछा गया जी प्रजापति नितिका से, हैशटैग वेदर मंडे, करण भाई आपने जब इंस्टा पर आईडी बनाई थी तब आपको कितने लाइक आते थे? आईडी तो बहुत पुरानी बनी है इसकी और मैं एक्टिव नहीं था उसमें बिल्कुल भी, तो मेरे को लाइक आते थे उस टाइम 10-15 लाइक आते थे मुश्किल से, वीडियोस पे या फोटोज पे? वीडियोस पे। हाँ, क्योंकि हमारे पास नहीं था, आईडी नहीं चलती थी, एक तो हमारे पास फोन अच्छा नहीं था, उसके बाद हम एक्टिव नहीं थे प्रॉपरली और रिसोर्सेज नहीं थे, सो 10-15 लाइक आते थे। अगर आपको इससे ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरे से भी ऊपर जा सकते हो, सो होप मत छोड़िए, बढ़े चलो। गाना गलत है, चले चलो नहीं, बड़े चलो यार, पता नहीं केड़ा चलो, जो भी चलो पर चली चलो, रुकना नहीं, चली चलो बस, चली चलो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मैर्सली, हाँ, मिस फैशन 127 से, योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, कितने जाना पसंद करोगे जो तुम्हें मौका मिले जाना? यार मैं जाना थी पुडुचेरी, कैंसिल हो गया, मैं जा रहा था ना ताकर के, अब तेरी नींद लगी है। हाँ तो नहीं होता फिर, तुम्हें पता नहीं जगह की है किदा तो लोग दस देखा है, मैं फोटो देखी है, अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, उन उन चीज का पॉसिबिलिटी है नहीं, जो हुन मौका मिले पैसे आ जान वदिया वाले, वैसे नहीं आ रहे पर से आ जान था, कनाडा जाने कितने जाना पड़ेगा, पहले सीधा कनाडा जा ही नहीं पाओगे, चले जिथे भी जाना, जिथे मैं मेरा होया ना, मैं दिल्ली तक नहीं गया, दिल्ली में जाऊंगा पहले, जैसे सोचने देखने वाली बात है कभी आज तक दिल्ली नहीं गया यार, मैं मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन प्लेस गए 3-4 बन गए थे बट उसमें से कहीं नहीं जा पाया हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा लद्दाख, नहीं जाएगा ये, और जब जाऊंगा तो बता दूंगा आपको, बाकी नहीं जाएगा बोलता रहेगा सारी चीज पे वरना, तो अभी इसको नहीं जाएगा छोड़ के अगले सवाल, ऋषभ 5296, What is your favorite season? Winter and summer. Question from both of you. Love you. Winter. Love you too. Winter. नाना नहीं पहनता ना ताकर। तू बड़ा ना पहन। तो guys. यार इसमें ये होता है जितने मर्जी कपड़े पहन लो। मेरे हिसाब से दोनों आता है ये। मेरे हिसाब से दोनों मुझे ठीक लगते हैं अपने अपने टाइम पे। ठंडा मीठा मौसम। हाँ मेरे को मिड वाला ठीक लगता है।
एक होता है ना कि बिल्कुल ठंड तगड़ी वाली हो तब भी नहीं मजा आता, बिल्कुल गर्मी हो तब भी नहीं मजा आता, नॉर्मल सा मौसम रहे तब। और मौसम जैसा भी हो जेब में पैसा और घूमने का अलग मजा रहता है फिर। तो ये से रिलेटेबल नहीं था मुझे पता है, तो पैसे होने भी चाहिए है वो। मैंने क्या बोला, जेब में पैसा हो तो यार वो बात करना जो नहीं हो सकती वो बात ना कर। तो गाइस आप समझ रहे हो इनडायरेक्टली टोंट मार रहा है आपको कि आप सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे इसके कारण में पेमेंट नहीं आ रही है, तो एक बार हिट द सब्सक्राइब बटन। चल चल अगला सवाल, दलजीत 06 से, वीर तुसी केड़ा हीट ट्रीटमेंट यूज करते हो? वीर मेरी आईडी मेंशन ना करियो, आईडी ना बोलती तो उसमें मेंशन नहीं करूंगा, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने नहीं सुना, कोई नाम नहीं बोला मैंने। तो हेयर ट्रीटमेंट में गाइस मैंने अभी टोपी उतारने के मूड में मुझे दिख रहा था ये, तो ओलाफ्लेक्स मैंने एडअप किया था उसमें, ये केराटिन जैसा ही आपको थोड़ा लुक देता है, और पीएच वाला मैंने हेयर कलर करवाया जो लोग मुझे पूछ रहे थे। सो दैट्स ऑल, सो नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया पंजाबन 1214, प्रिंस तुहानू करन दा न्यू हेयर कलर किदा लगा? तुसी दोनों बहुत क्यूट हो, कलर अच्छा, बाकी नालों तो हुण इस वारी अच्छा सी थोड़ा, क्योंकि अगे ओ लाल विच विच ही पीला भाई, ये अच्छा लाल पीला का तो आया, मतलब जो पिंक था फिर उसमें था, हां तो पिंक का पिंक बोलते हैं, गोल्डन को गोल्डन बोलते हैं, येलो नहीं बोलते हैं। नहीं ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है जी वंशी 6466, प्लीज भैया रिप्लाई जरूर देना, डेली रूटीन क्या है, थैंक यू, आप हमेशा खुश रहो। डेली रूटीन तो हम रोज डाल ही रहे हैं, हाँ। उसमें कुछ खास वाला नहीं है। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जो पूछा गया है जी आकांक्षा कौशिक की तरफ से, ये सवाल करने के लिए है, आप अपने बालों का कलर क्यों चेंज करवाते हो और प्रिंस क्यों नहीं करवाते, प्रिंस क्यों नहीं कराते, प्रिंस से पूछो। यार मेरे अलाउ नहीं हो कि मैंने जैसे भंगड़ा डालना होता है तो जाना पड़ता है ना, जैसे कोई आता देखने तो ऐसे बाल अच्छे नहीं लगते, चलो ये तो घूमता फिरता है, वीडियोस बनानी होती है, मैं बना नहीं सकता बाहर जाके ऐसे। और मुझे लगता है कि एक लाइफ है अपनी मर्जी से जीनी बहुत जरूरी है, ठीक है, हाँ अच्छी बात है, ये जी रहा मैं जब फ्री हो जाऊंगा, अगर जैसे प्रॉपरली फ्री होगा तब मैं भी करवाऊंगा थोड़े बहुत, मगर इतने नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी खासी है, तो मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट ले सकता हूँ, अभी मेरे को बहुत से एक्सपेरिमेंट लेने अपने बालों के साथ। सो स्टे ट्यून, आपको बहुत ही अलग अलग लुक दिखने वाली है बहुत जल्द। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, करिश्मा 675 से, इन्होंने पूछा है मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे कुछ टिप्स दो आपकी तरह अपना करियर बनाने में। यार टिप्स क्या है, बस मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहना आपको, और ये भी नहीं बोल सकते आपके अगर मान लो हमारा रील्स में चल गया सपोज एन एग्जांपल, और आप भी बोलो मेरे को भी सेम इसी लाइन में जाना है, इसी चीज में जाना है, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आपका पैशन नहीं है उस चीज में तो नहीं कर पाओगे, अगर है आपको जिस तो चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो चीज आप बेस्ट कर सकते हो उसमें ट्राई करो, मतलब इसमें आपको बोरियत नहीं होती, जैसे मान लो आप थके भी हो तब भी किसी ने बोल दिया यार ये करना है, तो ये मत बोलो यार क्यों करना है कैसे करना है, ऐसा नहीं, जैसे हम थक रखे हमें जुकाम है बुखार है फिर भी हमें ब्लॉग बनाने का मन था, हमने शुरू कर दिया फटाफट, सो जिसमें मजा आए वो चीज करो ताकि आप अच्छे से लोगों के लिए पॉइंट है। अगला सवाल, तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया जी डॉटर ऑफ डडवाल्स, प्रिंस और करण मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, बचपन में आप दोनों ने कपड़ों के पीछे लड़ाई की है? बचपन में, अभी भी करते हैं, जैसे ये होता है देखो करण अगर नए कपड़े लेके आया तो जैसे इसने नहीं पहने अभी रखे हुए हैं, तो मैंने इसको कहा अगर मैंने कहीं पे अर्जेंट पार्टी पे जाना है कहीं पे जाना, मैं कहता हूँ भाई पहन लो, मैं पाया नहीं हले जो तक मैंने, हाँ एक मतलब ये दोनों का सिनेरियो है कि नया कपड़ा है तो कम से कम एक से दो बार वही बंदा पहनेगा जिसके कपड़े हैं, हाँ, उसके बाद जो मर्जी पहन लो, उसके बाद भी नहीं होता कई बार, तो उसके बाद भी मना कर तो बंदे का अगर फेवरेट चीज है मान लो, देखो जैसे मैंने एक ही बार पहने मेरा शौक भी नहीं पूरा, फोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो बंदे का मन नहीं करता देने का, पिछली बार जब बोला तब नहीं दी, नहीं दी वो इतना था नहीं, वो क्या नहीं था, मतलब ये शूट था गाने का, उसमें तो कुछ था ही नहीं, ऐसे कौन से गाने का शूट, कोई शूट वूट नहीं था, तो फिर झूठ बोल गया सीक्रेट, ये लाइन कट कर दी जाएगी, कट जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया जी प्रभजोत 0406 से, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबी डांसिंग,
में आप सबकी तबीयत कैसी है, प्रिंस कैसे है? सभी ओके है, बिल्कुल कंटाप हो चुके हैं, सब बढ़िया हो चुके एकदम, रेस्ट की प्रॉपरली तो ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है या फिर ठीक है। क्वेश्चन है जी, जतिन वर्मा 5566688, आप मेरे क्वेश्चन कभी लेते नहीं हो, माय क्वेश्चन इज, आपको आपके फैन के साथ टाइम स्पेंड करना है कैसा लगता है? फैन के साथ, फ्रेंड्स, फैंस के साथ, फैंस के साथ, हाँ काफी अच्छा लगता है, फैंस ही है ना, हाँ फैंस ही, काफी अच्छा लगता है, काफी मजा आता है, बट कभी कभार नो डाउट ये थोड़ा बिटर ट्रूथ है, बट मुझे बोलना पड़ेगा, हम एक बार जैसे किसी ने हमें हाय हेलो किया, मतलब बहुत बार उसने हाय हेलो किया, सपोज एन एग्जांपल, हमने उसको रिप्लाई कर दिया, और रिप्लाई भी हमने किया जब हम वीडियोस बना रहे उस टाइम, फिर एक बार से स्टार्ट होते हैं वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल, फिर बंदे को थोड़ा सा होता है कि यार क्या हो रहा है ये, बिकॉज हम फ्री नहीं होते उस टाइम, हमने वीडियोस बनानी होती है, कहीं बाहर होता है बंदा, तो कंटिन्यूअली वीडियो कॉल्स आती है, या फिर कुछ लोग बहुत मैसेज करने लग जाते हैं तो मैसेज खुल जाता है उनका, ठीक है, तो अब इग्नोर करना वो भी अच्छा लगता है, तो हम रिप्लाई दे देते हैं, जैसे आपने एक बार रिप्लाई दे दी, उसके बाद रिप्लाई नहीं देंगे, पहले वो खुश हो जाएंगे, अगर रिप्लाई नहीं दिया फिर वो बोलने लग जाएंगे हाँ बस तो एटीट्यूड है ये है वो है, लोग गालियां देने शुरू कर देते हैं, पहले हेलो हाय आएगा, अगली तीसरी बार फिर गालियां आनी शुरू होंगी, सो आई डोंट थिंक सो, फिर इससे अच्छा वही है कि हम रिप्लाई मत दें किसी को, इसलिए हम मोस्टली क्या करते हैं लाइव में जाके बात कर लेते हैं, हम लाइव पे बात करते हैं, या हमें बाय फेस कोई अगर बड़ा फ्रेंड मिले तो हम उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, चैट पे बात नहीं करते इतनी, तो बेसिकली ये सीनरी रहता है। तो गाइस आप भी थोड़ा सा देखा करो, अगर हम बात कर रहे हैं हेलो है हो गया हमारा, तो वीडियो कॉल बार 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 मत किया करो, फिर हमें आईडी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि हमें वीडियो कॉल ना आए, बिकॉज हमें भी अपना काम करना होता है डेली लाइफ का। और इसके अलावा बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि दिस इज एंड ऑफ वीडियो, होप यू गाइस लव इट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्दी मिलते हैं आपको अगले मजेदार मंडे के साथ, मजेदार मंडे के साथ, एंड नोटिफिकेशन बेल आपको ऑन बिल्कुल करना है, बिकॉज़ ये बहुत यार कर दो यार, फ्री में होने वाला है, नया साल आ गया अभी भी नहीं आया सिल्वर बटन, तो जल्दी कर दो, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।